सुशांत सिंह 9 तारीख को बेहोश हो गए थे। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ था उनकी हेल्थ के साथ कि वो बेहोश हो गए, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लगातार बहुत सारे जो हैं उनके दोस्त आगे आकर बात कर रहे हैं, उनके रूममेट्स ने बात की, उनके यहाँ काम करने वाले स्टाफ ने बात की। अब एक बात आ रही है जिसमें जो उनके रूम पार्टनर हैं सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने एक बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को जब रिया चली गई, उसके बाद सुशांत की बहन मीतू आई हुई थी, वही उनको खाना वाना खिला रही थी, पानी वानी दिया, हम सब बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही दिशा के निधन की खबर आई, सुशांत इतना ज़्यादा निराश हो गया, सैड हो गया, उदास हो गया और वो बेहोश हो गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो बेहोश हो गया, उनका बयान है जो उन्होंने जूम में दिया। हिज सिस्टर वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम दैट टाइम। शी फेड हिम, गेव हिम वाटर। His sister came over the day Riya left. The following day, this incident happened and that affected him so much, he fainted also. His sister and me were in the same room. We all saw how badly it affected him. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिशा के साथ उनकी एक ही बार मुलाकात हुई थी और जो है, लेकिन फिर भी उनका जिस तरह से नाम जोड़ा जा रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। आगे हालांकि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है रिया उन्हें 8 तारीख को छोड़कर चली गई थी, उसके बाद उनकी बहन आई थी। रिया ने जो मुंबई पुलिस को बयान दिया उसमें ये कहा कि वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लग गई थी और उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा था, वो मानसिक तौर पर बीमार महसूस करने लग गई थी और इसीलिए वो सुशांत को छोड़कर चली गई। लेकिन एक बात सामने आई है सिद्धार्थ पिठानी के बयान से कि 9 तारीख को जैसी ही खबर आई दिशा के देहांत की, उसके बाद जो है सुशांत बहुत ज़्यादा सैड हो गए और इतना ही नहीं, वो इस खबर से इतने उदास हुए कि वो खुद भी बेहोश हो गए थे।